बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल डेली फैमिली ब्लॉग। अगर अभी तक आपने नमाज अदा नहीं की तो पहले आपने नमाज अदा करनी है, उसके बाद आपने ये वीडियो देखनी है, साथ साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है। तो जी कैसे आप सब लोग, ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। आज ईद का दिन है और मैं अपने बच्चों के कपड़े रेडी कर रही हूँ। सुबह 6 बजे का वक्त है, नमाज के लिए कपड़े रेडी हो रहे हैं सबके। ईद मुबारक, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग हो गई है, उठो। आपके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। नानो आपको भी ईद मुबारक। अभी कपड़े पहनते हैं तो फिर और करते हैं ईद मुबारक। इधर ही बैठो, मैं लेके आती हूँ, यहीं पे नीचे नहीं उतरना, मैं ला रही हूँ, इधर ही रुको। ये देखो, ये प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं, पकड़ो। ऐसे नहीं, ऐसे खराब हो जाएगी इस्त्री। यहाँ पे रखते हैं ना, अभी मुँह हाथ धो के फिर पहनते हैं, ठीक है। ना ना लगाया टीवी ते ऐसा ऐसा रखते सौ दे तुसी। नानो का बेटा तैयार हो रहा है, नानो अपने बेटे को तैयार कर रही है। बड़ी नहीं है ये, पूरी पूरी है, छोटी है बेटा। कल ही बोले मम्मी, तुसी थानू नहीं पता कितना बदतमीज है। अम्मा छोटी है ना, छोटी नहीं लेके दी, छोटी लेके देनी थी। मैंने कहा है छोटी लेके दी है पैंट, ये स्टाइल है, दहाई का पत्ता बच्चा, ये डिजाइन है बेटा जी, इस डिजाइन। अब जब शूज पहनेंगे ना तो फिर ये शूज के अंदर चल जाएगी, कितनी अच्छी लगेगी। ये देखा कितनी प्यारी है लॉन्ग पैंट, ये लॉन्ग पैंट होती है। हाँ देखा, नहीं पूरी बॉडी बना ली है, बॉडी बिल्डर हो गया बेटा, डोले छोले साढ़े पूरे टब्बर तो बहुत नखरे अली दे ने। देखा कितना क्यूट लग रहा है, माशाल्लाह। ये ड्रेस पहन के ले आओ ना, सारा मेरे ने मुका दिया लोशन, जा खोल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है मेरा बेटा, हैंडसम बॉय। हेयर्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह। देखा है कितने प्यारे हेयर्स लग रहे हैं। लोग कहते हैं अली के बाल कटवा दो, हम क्यों कटवाएं, इतने पारे पारे मेरे बेटे के बाल हैं, ये देखो तो सही। ईद मुबारक मिली है, कितनी मिली है, ये 50 रुपीज है। चलो ये काफी है आपके लिए, एक और पैसे लेके क्या करोगे? चिट्ठी खाऊंगा, चिट्ठी खाऊंगा। ये किस कितने हैं? ये 100 है, पापा ने दिए हैं। अभी आप फूफा मी से भी ले ले। और फूफा से भी ले ले। और मेरे से भी लेनी है। हाँ जी। हमारी दी ईद बारा। भाई आप बताएं, नमाज पढ़ रहे हैं आप? हाँ, नमाज पढ़ रहे हैं। चलो जी, कहाँ जाना है? दो पैसे लेने हैं, ये कालो के एक और पैसे लेने हैं। दो 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 दो। अभी उम्मीद है मैं देती हूँ दो पैसे। चलो सुबह सुबह हाली पेट शुरू हो गए, लाली पाप शाप। जा रहे हैं फोटो शूट करन। ओले लग गई है, दिखा, चोट तो नहीं लगी ज्यादा, नाले पैंट तो नहीं फाड़ छड़ी कितने, चोट तो पता मामा ने हुंदा पैंट ना फाड़ जाए कितने।
चलो आओ इधर बैठो चारपाई पे। इधर एक जगह इकट्ठे हो ना सारे। चलो शाबाश, तनु एक जगह इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। इतने बैठो ना तुम रमना मत वड़िया आयान है। अच्छा लाली बेटा भाई खड़ा हो रहा वैसे खड़े हो ज्यान है हाथ ढीले छोड़ो मुझे ऐसे सर पीछे थोड़ा सा सर पीछे या ऐसे ऐसे कर के ना ऐसे तस्वीर खींच ले डैड एक मिनट ज्यान एक मिनट सीधा होके खलो सीधा जरा सर पीछे अलर्ट ज्यान सीधा ਆਲਬਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਹਾਂ ਸਹੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਲੱਦਾ ਥਾ 500 ਕਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ 400 ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 420 ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲੂਗੀ ਨਾ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ लाओ ये संभाल दे ये दिया है आपकी मैं संभाल दूँ ये क्या ला जान के घर जाके सो खा लूंगा फिर रोज आपसे ले लूंगा ठीक है वेरी गुड बहुत ये तो समझदार बच्चा है पैसे नहीं खर्च कर रहा। अच्छा चलो ठीक है बाहर देखो बाहर कौन है सही तड़का ला के बैठ गए उंजी बनाई उंजी टेस्टी ही बनी है मेरे जे अपने पास रख लेती हूं जे जेब में डालूं लो जी आगे भी है पैसे जेब में वाह अजी के पास तो मेरे पूरे 4000 दिखाओ वाला कितने पैसे मेरे पूरे 4000 20 है चार 100000 20 ये भी मैंने डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम ठीक है ओके हेलो अस्सलाम वालेकुम आपकी किधर रही थी दिखाओ आप भी दीदी दिखाओ ना खोल के मैं नहीं लेती सारी अपने भाइयों को ये दिया मैं ये दिया बहनों को दिया अभी अपनी बीवी को ये दिए बड़ी दफा दी है बीवी को हर माह 70000 रुपया दे रहा हूँ थोड़ा बड़ा मुझे कभी नहीं दी वाकई में चलो ईदी दो ना जरा है की बदतमीजी हुई बच्चों को भी दी है बीवी को भी दी है चलो बच्चे बच्चों दान दे ना बच्चे बच्चों को इकट्ठी करके तो फिर मामा नु देनी है दवो ईदी वाकई रिजवान मेनू कदे जिंदगी च ईद नहीं दी जिया तूने मुझे आज याद करवा दिया कि मुझे ईद कभी नहीं मिली ये सारे पैसे तेरे पास होते हैं तो ईद तो मेरे पास होते हैं इसका ये मतलब मुझे देनी नहीं किसी ने ईद आपको ईद दी मेरे अबू ही कोई नहीं है तो जो हुंदे ते दिंदे ना मेनू ईदी अम्मा ही दिंदी है कदे कदे है अम्मा नोट कटो बदतमीजी है कोली रख लो मैं नहीं लैनी चलो शुक्र है वड्डा नोट निकलिया साडे वास्ते वड्डा नोट लग गया हमेशा ही सारे वड्डे तेरे कोल हुंदे अब मम्मा पापा को ईद दे अच्छा हुन एही वापस पापा नु कर दा ए लो वापस ले लो फरीदी
शोहर देते हैं बीवियों को ईद, बीवियां नहीं देती शोहर को ईद। उधर तो ईद हूँ हो जे माशाल्लाह चश्मे बदूर, ईद तो अब हुई है उधर माशाल्लाह। पर्स भी मैचिंग, जूता भी मैचिंग, क्या बात है ज़बरदस्त। यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। थैंक यू, वेलकम। वाह जी वाह, ये भी दे बैठे ना, आप बैठे ठहरे ना, दुपट्टा सही तरीके से दे लूँगा। वेरी गुड, वाह जी वाह। नानो कितनी अच्छी लग रही है आप माशाल्लाह। मेकअप वगैरह नहीं किया, सिर्फ सुरमा ही आंखों में डाला है, तो ऐसे ही मैंने बस किया। आप अंगूठियां भी ला ना अंदर मेरी। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत बहुत मेरी तरफ से तमाम व्यूवर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ऐसी ईदें आप लोगों की जिंदगी में हजारों लाखों करोड़ों आए। फाइनली 11 बजे के करीब करीब मेरी भी ईद हो गई है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये देखें, ये कल जहाँ हम बटन लगाए थे ये कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये इयररिंग्स पहने हैं गोल्ड के सारे, और ये एक हाथ में इयररिंग पहनी है, और इसके अलावा इयररिंग्स पहनी है, और बस इतनी सी तैयारी थी हमारी जो हो गई। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ऐसा क्या, मैंने देखना तो किसने देखना। ईद वाले दिन अमूमन सभी के घर में सुबह सवैयाँ बनती हैं और उसके बाद दोपहर का खाना बनता है। हमारे घर भी ऐसी ही सिचुएशन है। अभी हमने सवैयाँ खाई, उसके बाद हम मेज़बान की अम्मी के घर गए, वहाँ से थोड़ी सी सवैयाँ खाई, बोतल पी कोक, उसके बाद हम उनके हाला के घर गए, वहाँ से बोतल पी, फिर आगे गए उनके घर से बोतल पी के पेट ऐसे है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अब हम जाने लगे हैं मेरी नाद की तरफ, पूरी फैमिली, और रिजवान की भी उधर वाली फैमिली, हमारी फैमिली, और सिस्टर इन लॉ के घर जाने लगे हैं। तो मैं, मेरे पेट में ऐसे हो रहा है जैसे कछुकू में वो बोल रहे हैं। तो मैंने अभी ये चाट रात को जो अफ्तारी में बनाई थी ना, मैंने कहा ये खा लें थोड़ा सा, पेट अपना भर लें, क्योंकि बिल्कुल खाली पेट पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? सिस्टर के घर, पापा बोलते हैं पुप्पो के घर। और इस मान लेने गए घोर में से केक या मिठाई इस तरह की कुछ चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा ईद का दिन गुजरा है। अब हम वहाँ से होके हम घर आ गए हैं, ये जूरी शूरी उतार रहे हैं, और अब कपड़े भी चेंज करना लेट है क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आपके साथ ऑलमोस्ट आज पूरे दिन की रूटीन शेयर की। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, नहीं भी अच्छा लगेगा तो भी कर लेना, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरा बहुत कुछ जो है ना उससे बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा मेरा व्लॉग। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दो उम्मीद रखिएगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।